जो त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, आश्रमों को छोड़कर भजन पूजा पाठ संध्या बंधन को छोड़कर गुरुकुल की परंपरा को छोड़कर अपने शिष्यों की व्यवस्था को छोड़कर गांव में गलियों में घूम घूम कर सनातनी के अंदर एक भाव जगाया, जिसका परिणाम स्वरूप एक आज अयोध्या में भक्त दिव्य नवरात्र भूमि मंदिर का निर्माण। इसी प्रकार से आप लोगों से अपेक्षा करते हैं, निवेदन करते हैं, जरूर धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा आप करोगे धर्म आपका रक्षा करेगा। उतनी त्याग नहीं है, उतनी तपस्या नहीं है, उतना समर्पण नहीं है, मन में कितने क्लेश है, फलाने मर जाए, ढमकवा ऐसा हो जाए, फलाना उच्छिन्न हो जाए, कहां परमात्मा मिलेंगे। लेकिन जो ही आपके मन में भाव है, जिस प्रकार हो सकता है भगवान राम के, भगवान कृष्ण को और भगवान भोले के काम आ जा सके, कैसे? प्रयास करके। अपने बच्चों को जरूर प्रयास करिए, धर्म की शिक्षा जरूर दीजिए। अभी कुछ बापू जी कह रहे थे, प्रयास करके, एक प्रयास करके जरूर अपने बच्चों को जरूर जब सुबह उठे तो जरूर प्रणाम करें। माता पिता बापू ने कहा ना कि एक बार देखो एक सप्ताह तक प्रणाम करके किस प्रकार से बच्चों के अंदर एक संस्कार आ जाता है, कैसे उसकी बुद्धि निखर जाती, कैसे उसे बुद्धि में और प्रबलता आ जाती, निपुणता आ जाती, कैसे वो तेज हो जाएगा सिर्फ माता पिता को प्रणाम करने से। आप समझो जब वो व्यक्ति जरूर भगवान के सामने में जाकर तिलक लगाएगा, जरूर प्रयास करेगा कि अगरबत्ती सुलगाएगा, टूटी फूटी वाणी से जो भी उसको आता है, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र जो भी उसको आवे, कोई जरूरी नहीं है, जो भी उसको मंत्र आवे जरूर परमात्मा के पास करने के बाद स्कूल जाए तो उसके अंदर जरूर एक जागृति आएगी, एक संस्कार आएगा। और अपेक्षा है आप सभी लोगों से, ऐसे आप जगे रहो, आपके अंदर ऐसी जागृति बनी रहे, जिससे जैसे अयोध्या में मंदिर बना है उसी प्रकार से मथुरा और काशी का भी निर्माण हो। क्योंकि आप समझो ये मामूली बात नहीं है, समय हुआ करता था परमिशन लेना पड़ता था, एक समय हुआ करता था कि 84 कोसी प्रक्रमा हम लोग किए तो 3 महीने तक जेल में रहे, एक समय हुआ करता था क्या स्थिति होती थी। आज समय ये भी एक सब राम में, सब भगवान में है, सब सनातन में है, सब हिंदुत्व में है। आप देखो अयोध्या में अभी एक तिल पैर रखने की जगह नहीं, 1 इंच जगह नहीं है। जहां महाराज जी का आश्रम है राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पे, मैं कल महाराज जी गया था, हनुमानगढ़ी से पैदल ही जाना पड़ा, संभव नहीं था, एकदम संभव नहीं था वहां तक पहुंचना। हनुमानगढ़ी गेट से जैसे निकले 1 इंच जगह नहीं। आप समझो इतना राम भक्त, इतना सनातनी अयोध्या पहुंच रहे हैं, तो आप लोग भागी हो। ऐसे ही सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा सुरक्षा, ऐसे हिंदू और हिंदुत्व के लिए प्रयास करके, कोई जरूरी नहीं है खूब त्रिपुण लगा दो, कोई जरूरी नहीं है भगवान वस्त्र पहन लो, कोई जरूरी नहीं बड़े बड़े कंठ में माला पहन लो तभी राम भक्त कहलाओगे। भाव होना चाहिए, आचार होना चाहिए, विचार होना चाहिए। पूज्य महाराज जी मिल गए, कोई भी साधु मिल गया, कोई भी संत मिल गया, प्रयास करके उसका चरण स्पर्श जरूर, उसके लिए कुछ करने का प्रयास करोगे तभी तो आज भाई सनातन जनता कैसे है, आप लोग की देन है ना। आज हम कहां से आए, आपकी जैसी कोई माताओं ने दिया तब ना आज राजूदास भगवत चोला पहनकर सनातन संस्कृति की बात करता है। महाराज जी कहे राजूदास लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ललकारते हैं सनातन के बाद जैसे आए, बापू जी ने कहा कि सनातन के लिए लड़ते हैं, तो आपकी जैसे माँ ही ने तो दिया ना। आज किसी को कह दिया जाए कि एक बेटा दान में दे दो, कोई देगा? कोई देने के लिए तैयार नहीं। कोई बनाओगे आईएस बनाओगे, कोई टीचर बनाओगे, कोई साइंटिस्ट बनाओगे, कोई डॉक्टर बनाओगे। अभी पूज्य महाराज जी का एक बेटा दान दे दोगे, इसलिए नहीं दोगे, स्वाभाविक है कि आप एक से ज्यादा पैदा ही नहीं करते। बोलते हो नहीं, एक बीघा और खेत खरीदना पड़ेगा, एक दुकान और उसके लिए लेनी पड़ेगी। अब एक जगह देखो 3 बीवी 70 बच्चे, सबके हाथ में एक पत्थर तैयार है, एकदम लड़ाई लड़ने के लिए, देश के बांटने के लिए भी पूज्य बापू जी का 1000 वर्ष तक इस मलेच्छों का शासन रहा है। 1-2 दिन नहीं, 1000 वर्ष तक। यहाँ 1 दिन में अपनी हम लोग विचार बदल देते हैं। अभी प्रधान प्रधानी का चुनाव आ जाए, गांव में